महामहिम के स्वागत के लिए उनकी पैतृक भूमि परोंख सजकर तैयार थी। शुक्रवार को रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार अपनी मातृभूमि पर कदम रखे। बता दें कि इससे पहले वे पिछले साल 27 जून को परोंख आए थे और राष्ट्रपति ने परोंख में ग्रामीणों से आने का वादा किया था। साल भर के भीतर वे यहां आकर उन्होंने अपना वादा निभाया। बता दें कि परोंख पहुंचकर राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ सबसे पहले पथरी माता मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। साथ ही कानपुर की सीडीओ सौम्या पांडे ने वहां की तमाम तैयारियों की जानकारी भी साझा की। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदया, चारों महानुभाव यहां पधारेंगे और गांव का भ्रमण करेंगे। गांव में पथरी माता का मंदिर के दर्शन के उपरांत अंबेडकर भवन की मूर्ति पे माल्यार्पण हो और उसके बाद मिलन केंद्र, जो माननीय राष्ट्रपति जी का पैतृक निवास है, वहाँ समूह की महिलाओं की जो ट्रेनिंग की गई है उसको देखेंगे और फिर आके यहाँ पर जन सभा को संबोधित करेंगे। छोटा सा एग्जीबिशन भी हमने लगाया है, उसको भी वो उसका अवलोकन करेंगे। हम लोगों ने एक ब्रांड दिया है देहाती, क्योंकि कानपुर देहात में है तो हमने देहाती नाम का ब्रांड दिया है। उसका बुकनू, बेसन, चना और सत्तू भी वो माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट करेंगे। ये प्रदर्शनी बहुत खास है कई मायनों में। यहाँ जितनी भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सब महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जनपद में क्या उपलब्धियां हैं उसको यहाँ दर्शाया गया है। जैसे कृषि में किसान की आय को दुगना करने के लिए जनपद में जो जो काम किए गए हैं, हमारे यहाँ के बहुत अच्छे किसान हैं जो बहुत अच्छी लाल भिंडी और बहुत बड़ी लौकी उनका रिकॉर्ड भी है वो उगाते हैं, उनको दर्शाया गया है। साथ ही साथ समूह की महिलाओं का प्रोडक्ट दर्शाया गया है। इसके अलावा जल अभिषेक एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, हम लोग योजना कह लें या मिशन कह लें, जनपद में चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर इस वर्षा ऋतु में 12,700 करोड़ लीटर का जल संचयन, जल आंदोलन की मदद से हम लोग करा रहे, उसको दर्शाया गया और इस गांव का 3D मॉडल भी दर्शाया गया। साथ ही साथ परोंख गांव की वेबसाइट भी बनाई गई है जो प्रदर्शनी में दर्शाई जाएगी और एक नया ऐप बनाया गया है, ई पहल ऐप, जिसमें GIS के माध्यम से अमृत सरोवर और जितना भी जल संरक्षण में काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसको भी दर्शाया गया। एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिसका नाम है मेरा परोंख मेरी धरोहर और उसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव का लोगो लगा के, जहां सभी महानुभाव अपनी फोटो भी हम अनुरोध करेंगे कि वहां ले सकते हैं।